वेलकम बैक दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है 1925। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो ये सही उत्तर है इसका सिक्किम, ऑप्शन डी। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो ये त्रिपुरा के हैं। निम्नांकित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ये बांग्लादेश का है, ऑप्शन डी। माना दर्रा स्थित है तो ये उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी। रायसीना डायलॉग 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य इसके 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सही है, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन से द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, ये भी सही है। यह वर्ष 2016 से प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है, सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सब सही। अप्रैल 2022 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस को। मई 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरविंद कृष्ण। जनवरी 2022 में IPL की कौन सी फ्रेंचाइजी टीम देश की पहली स्पोर्टर्स यूनिकॉर्न उद्यम बन गई है? तो सही उत्तर है इसका चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन ए। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई मरहौरा में, ऑप्शन सी। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने दिए थे, ऑप्शन डी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये बोध गया में, निरंजना नदी जिसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऑप्शन ए। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का, ऑप्शन ए। वर्ष 2022-23 का बिहार का बजट किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तारकिशोर प्रसाद। मक्के का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कटिहार में। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है तो 46 होती है, ऐसे जोड़े में 23 जोड़ा होता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति की गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। किसके द्वारा अनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, W. वेटसन के द्वारा 1906 में अनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया है, ऑप्शन डी। चरक संहिता चिकित्सा की
किस पद्धति से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा की किस पद्धति से संबंधित है? तो ये आयुर्वेद से संबंधित है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? 54 का सही उत्तर होगा इसका डी, खंडारी गुफाएं। मालेक किस देश की राजधानी है? मालदीव का। पीला बुखार पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? पीला बुखार पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, मादा मच्छर के काटने से। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो ये डिप्थीरिया, ऑप्शन सी, दिल से संबंधित नहीं है। शरीर में कैल्शियम ऑक्सैलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है? शरीर में कैल्शियम ऑक्सैलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पथरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डी, गाजर। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी तो ये कालिंजर में हुई थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है? अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है तो ये फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन डी। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था तो ये किसके द्वारा लगाया गया था? ऑप्शन सी, जहांगीर के द्वारा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 महिला सदस्य थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352, आपात स्थिति की घोषणा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है? सही उत्तर है इसका भारत के संविधान द्वारा, सही है। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, सही है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो इसका सही उत्तर है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बी, अपचयन। इलेक्ट्रॉन के प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन कहा जाता है। कांच होता है?
कांच होता है, अतिशीतित द्रव्य होता है, ऑप्शन बी। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है, तो ये गेहूं से है, ऑप्शन बी। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है, ऑप्शन बी। मंदन है ऋणात्मक त्वरण, मंदन है ऋणात्मक त्वरण, ऑप्शन डी। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 सेंटीमीटर के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है, लिया जा सकता है, तो इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2.5 सेकेंड। जी गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा, तो इसका होगा जी एम ऑब्लिक आर स्क्वायर, बी आंसर होगा इसका। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो ये करता है ल्यूकेमिया को, ऑप्शन बी। अधिश्वेत रक्तता है एक प्रकार का, यह है कर्क रोग, ऑप्शन डी। विटामिन ए की कमी से निर्मित हो रोग है, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है जनन क्षमता में कमी, ऑप्शन सी। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो इसका है 25 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन सी। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका ऑप्शन ए यूरेनियम 235 है। निम्नलिखित में किसका उपयोग परमाणु भट्टी रिएक्टर में नियंत्रण छड़ों की तरह किया जाता है, तो किया जाता है इसका बोरोन का, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है, सही उत्तर है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी। रंगहीन गंधहीन गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है, तो इसका सामान्य नाम मीथेन गैस, मार्स गैस है, ऑप्शन ए। दिया सलाई की नोक पर होता है, दिया सलाई की नोक पर होता है, तो ये होता है ऑप्शन डी, टेट्रा फॉस्फेरस ट्राइसल्फाइड, टेट्रा फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड होता है। दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस और टेट्रा फॉस्फेट ट्राइसल्फाइड का उपयोग होता है। दिया सलाइयाँ बनाने में चीड़ की लकड़ी की सलाइयों के सिरों पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड तथा टेट्रा फॉस्फोरस ट्राइसल्फेट होता है, तथा माचिस पर लाल फॉस्फोरस होता है, जिस पर दिया सलाई रगड़ने से वह जल उठती है। लवण को सांद्रता प्रति हजार भाग में लवणता के रूप में मापी गई अंतःस्थलीय जल में प्रतिशत से कम होती है, कितना प्रतिशत से कम होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5%। एंजाइम होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन बी। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, तो ये बड़ा तत्व होता है शर्करा, ऑप्शन डी। रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी, रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी, तो ये की थी बी विलियम हार्वे ने, ऑप्शन बी। फेफड़ों के आवरण को कहा जाता है, फेफड़े के आवरण को कहा जाता है, ये फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है, ऑप्शन बी। वर्धनांध व्यक्ति इसका सही उत्तर है,
कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता है। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो ये बिंबिसार के पुत्र थे, ऑप्शन सी। किसके शासनकाल में हिंसक भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन बी। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये 1519 में किए थे। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? हुमायूं के मकबरा के वास्तुकार मीरक मिर्जा ग्यास थे, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में, ऑप्शन सी। सत्ताईस फरवरी से 10 मार्च 2022 के मध्य भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 के मध्य भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए, बेलगांव में किया गया था। 5 मई 2022 को किस राज्य में विद्यार्थियों के टैबलेट्स प्रदान करने से संबंधित अधिगम योजना शुरू की गई? तो ये किया गया था, ऑप्शन सी, हरियाणा में। 3 अप्रैल 2022 को मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान की गई करने की घोषणा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आरिफा जौहरी को। ऑप्शन ए हो गया, आरिफा जौहरी को किया गया था। 26 अप्रैल 2022 को खाद्य सुरक्षा पर विश्व व्यापार संगठन WTO का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? सही उत्तर है इसका, जेनेवा में हुआ था, ऑप्शन डी। 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 40। अप्रैल 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहां पर देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का अनावरण किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? ऑप्शन सी, किशनगंज। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्लिसफुल बिहार हो गया, इसका सही टैगलाइन है। इसी के साथ घटना चक्र का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का GK जिस समाप्त होता है।